16 अक्टूबर यानी आज विश्व खाद्य दिवस है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की ओर से अन्नों की कम बर्बादी, पोषण युक्त आहार, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के कम इस्तेमाल के लिए पहल और अपील की जाती रही है। इस साल खाद्य दिवस की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन और आवर फ्यूचर। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबके पेट भरने की है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया में 6.9 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं और 3 अरब लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पाता। भुखमरी पिछले 5 सालों में तेजी से बढ़ी है। वहीं कोरोना महामारी ने 1.32 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। खाद्य सुरक्षा ऐसे ही रहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक करीब 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इनोवेशन, तकनीक और अपने व्यवहार में बदलाव लाकर ही हम देश और दुनिया को खाद्य पदार्थों की कम से कम बर्बादी और अधिकतम भूखे लोगों तक भोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु अफसोस की बात है कि विश्व के सिर्फ 11 देश खाद्यान्न की कमी को राष्ट्र स्तरीय निर्धारित योगदान यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बनाए हैं, जबकि जरूरत है कि खाद्यान्नों की बर्बादी भी प्रमुखता से इस नीति का हिस्सा हो। इससे खाद्यान्नों के रखरखाव और उपयोग के क्षेत्र में सुधार होगा और 25% खाद्यान्न लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत के सामने भी खाद्यान्नों की आपूर्ति और बर्बादी रोकना सबसे गंभीर सवाल है। हरित क्रांति के बाद यहाँ खाद्यान्नों की समस्या नहीं रहा, लेकिन गरीबी को नहीं हटाया जा सका, जिसकी वजह से लोग पोषक खाद्य पदार्थ, दूध, फल, मांस, अंडे को खरीदने में समर्थ नहीं है। हालांकि सरकारी योजनाओं में लोगों को कम से कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है और मिड डे मील में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पोषक पदार्थों को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए सरकारी मदद के बावजूद भारत की बड़ी जनसंख्या कुपोषण या भुखमरी की शिकार है। आज भारत जैसे देश में आर्थिक विकास करके और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को चलाकर गरीबी और भुखमरी की समस्या को खत्म किया जा सकता है, साथ ही अन्न की कम से कम बर्बादी हो और उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण पर जो अतिरिक्त दबाव डाला गया है उसे कम करने की जरूरत है। भारत में सरप्लस खाद्यान्न उत्पादन के समुचित उपयोग को बढ़ाने के कदम अपनाने की जरूरत है। इसके लिए सप्लाई चेन, भंडारण गृह, शीत गृह, कूलिंग तकनीक पर जोर देने की जरूरत है, तभी भारत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा कर पाएगा और पोषण युक्त जनमानस तैयार कर पाएगा। इस खाद्य दिवस सरकार और लोगों को इन्हीं बातों के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है।